आपका भी सहायता सही है, ये है हमारा समस्या का। आप तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि आसाम इसमें लिखा है। आपका विषय है अमार गावर समस्या समूह। मैं पढ़ सकता हूँ ना? मैं भारत भारत में रहने वाला भारतवासी हूँ। आसाम तो मेरा बगल में रहते हैं। मैं तो यूपीएससी का सिविल सर्विस में आया है। तो मैंने कोशिश किया आसामीज बंगाली को भी पढ़ने के लिए, तो पढ़ लिया है। आपका दरख्वास्त है और विनीत सम्मान पूर्वक निवेदन है ना? अच्छा, आपका समस्याएं हैं क्या है? नहीं, आपका समस्या जो है गोवा पानी, ड्रिंकिंग वाटर का समस्या गाँव में, और रास्ता घाट प्रॉब्लम्स है, नदी गोरा धनिया मतलब जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि आपको भारत सरकार ने तो बहुत कोशिश किया कि हर जो पांच वर्षीय योजना में जो अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ, रूरल कनेक्टिविटी जो है भारत निर्माण प्रोग्राम में, आज का ये सरकार पहले जो कांग्रेस सरकार के जमाने में भी बहुत कोशिश किया, वो लोग राजीव गांधी के नाम में विद्युतीकरण करके जो गरीबी रेखा के नीचे में रहने वाले लोगों को कनेक्शन फ्री इलेक्ट्रिसिटी सर्विस देने के लिए हर गांव में कोशिश किया था, और कनेक्शन का चार्ज नहीं लेगा, कनेक्शन देने के बाद उसके जितना पॉइंट होता है उसी का जो महीने का बिल आते हैं उसको तो देना पड़ेगा, लेकिन कनेक्शन का जो 3,000-4,000 जो हो वो फ्री में सरकार सब्सिडी पूरा दे देगा 100%। ऐसा भी कोशिश किया, ठीक है, फिर भी ये सरकार जो अभी भी के सरकार कोशिश कर रहे हैं कि पहले से जो दिया गया है उसका देखना है इम्प्रूवमेंट क्या है, और जो अभी तक बिजली नहीं दिया उसी गाँव को और उसी घर को देने के लिए अभी सरकार कोशिश कर रहे हैं। और उसका जो इसी साल का प्रोग्राम में क्या क्या है उसको देख करके आप लोग के गांव का क्या हालत है, क्योंकि कितने गांव वो लोग ले रहे हैं जो नॉन इलेक्ट्रिक।